नमस्कार, हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। हिंदुस्तान की जाबाजी का मुकाबला पूरी दुनिया में नहीं है। यूं तो हमारे पास दुनिया की चौथी सबसे मजबूत सेना है, लेकिन जब बात दिलेरी की हो तो हमारी सेना से मुकाबला करने का मादा किसी में नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान का सीना अब गर्व से और भी चौड़ा हो गया है, क्योंकि अब हिंदुस्तान बनने वाला है महाशक्ति, एक ऐसी महाशक्ति जिसकी नेगेबानी करेगी त्रिसेना यानी त्रिशक्ति। यह त्रिशक्ति कोई आम यूनिट नहीं है, बल्कि इसे तैयार किया गया है थलसेना के साहस, वायुसेना की दिलेरी और जलसेना की जाबाजी से। इस त्रिशक्ति की ताकत के आगे पाकिस्तान और चीन ही नहीं, बल्कि अमेरिका और फ्रांस भी पानी मांगते नजर आएंगे। मतलब साफ है कि अब अगर हिंदुस्तान की तरफ किसी ने आंख भी उठाई तो घर में घुसकर मारेगी त्रिसेना। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। आन आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। अब महाशक्ति बनेगा हिंदुस्तान। दुनिया देखेगी अब हिंद की ताकत। थल सेना का साहस, वायु सेना की दिलेरी, जल सेना की जाबाजी, अब तीनों शक्तियां आएंगी एक साथ। तीनों सेनाओं का होगा एक चेहरा। ताकत का अब एक ही नाम, त्रिशक्ति। हिंदुस्तान की त्रिशक्ति के आगे कांप जाएगा दुश्मनों का कलेजा। सुपर कमांडोज बनेंगे सुपर हीरो। जमी हो या जलजला, आसमा हो या आफत, त्रिशक्ति के आगे सब धूल चाटेंगे। दुश्मनों के लिए आ रहा है काल। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन। पलक झपकते जहन्नुम पहुंच जाएगा दुश्मन। त्रिशक्ति की ताकत से कांपेगा पाकिस्तान। त्रिशक्ति के आगे पानी मांगेगा चीन। अमेरिका भी हिला, हिल गई दुनिया। त्रिशक्ति की दिलेरी से महाशक्ति बनेगा इंडिया। तो हिंदुस्तान की नई ताकत का नाम है त्रिशक्ति, एक ऐसी ताकत जिससे लोहा लेना किसी दुश्मन के बस की बात नहीं है। त्रिशक्ति के आगे कोई भी मुश्किल पल भर के लिए भी नहीं टिक सकती है। यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि अमेरिका और फ्रांस जैसे देश भी त्रिशक्ति से खौफ खा रहे हैं। दुश्मनों की अब खैर नहीं,
हिंदुस्तान को मिली त्रिशक्ति। अब हर चुनौतियों से होगा सामना, हर नापाक साजिश पर फिरेगा पानी। हिंदुस्तान की सेना अब और खास होने वाली है। जल्द देश के सामने होगी हिंदुस्तान की त्रिशक्ति, एक ऐसी त्रिशक्ति जो कि आसमान, जमीन और हवा में दुश्मनों का सफाया करने में सक्षम होगी। ये त्रिशक्ति कितनी मजबूत होगी, इस बात का अंदाज़ आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस सेना के अंदर देश की तीनों सेनाओं के जो टॉप कमांडोज होते हैं, जो फौलादी कमांडोज होते हैं, उनको शामिल किया जाएगा। ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भारत की तरफ आंख उठाने वालों की अब शामत आ चुकी है। हिंदुस्तान की सेना का जवाब नहीं है, दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना हिंदुस्तान की है। लेकिन बात जब जवानों के जज्बे और हौसलों की होती है तो हिंदुस्तान के जाबाजों के आगे सब पानी भरते नजर आते हैं। पहाड़ हो या रेगिस्तान, आसमां की बुलंदियां हो या समंदर का उफान, तूफान बनकर टूटेगी त्रिशक्ति। कई ऐसे मौके आए जब दुनिया ने हमारे जवानों का हौसला देखा और उनके जज्बे को सलाम किया। दुश्मनों के हर मंसूबों को हमारे जवानों ने नेस्त नाबूद किया। हिंदुस्तान जैसे विशाल देश में हर तरह की सेना है। जमीन पर दुश्मनों से लोहा लेने के लिए थल सेना, आसमां में मुकाबला करने के लिए आसमानी सूरमाओं से लैस वायु सेना, और समंदर की लहरों पर सवार होकर दुश्मनों को धूल चटाने के लिए जल सेना। त्रिशक्ति किसी एक सेना का दस्ता नहीं है, बल्कि नाम से ही साफ है इसमें शामिल हैं देश की तीनों शक्तियां। इसमें थल सेना के चट्टान से मजबूत ब्लैक कमांडोज भी हैं, इसमें समुद्र की लहरों से भी फुर्तीले मार्कोस कमांडोज भी हैं, और आसमान से ऊंचे हौसले रखने वाले गरुड़ कमांडोज भी शामिल हैं। ये एक ऐसा डिवीजन है जो हर मौसम में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी इलाके में दुश्मनों के दांत खट्टे कर सकता है। राजस्थान के रेगिस्तान हो, कश्मीर की वादियां हो, या फिर खुला आसमान, हर जगह त्रिशक्ति दुश्मनों पर मौत बनकर टूटेगी। कहते हैं कि वक्त बदला है तो काफी कुछ बदला है। यही वजह है कि जरूरत के हिसाब से अब हमारी सेना को और भी ज्यादा मजबूत करने की कवायद शुरू हो गई है। दुनिया जानती है कि जल, थल और वायु तीनों ही क्षेत्र में हमारे लड़ाके सबसे दिलेर हैं। लेकिन अब तक ऐसा कई बार हुआ जब जरूरत के हिसाब से मोर्चा बदलने की नौबत आई। जब थल सेना को मुश्किल आई तो वायु सेना ने कमाल दिखाया। जब वायु सेना को चुनौती मिली तो जल सेना ने कहर बरपाया। लेकिन अब मोर्चा बदलना बीते दिनों की बात हो गई। अब मुश्किल कोई भी हो, हमारी त्रिशक्ति अकेले ही उससे लोहा लेने का साहस दिखाएगी। नतीजा ये होगा कि पलक झपकते ही दुश्मनों का सफाया हो जाएगा। जब तक दुश्मन इस काल को समझ पाएगा तब तक वो जहन्नुम की सैर पर जा चुका होगा। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन, अमेरिका की तर्ज पर तैयार होगी त्रिशक्ति। थल सेना से शामिल होंगे स्पेशल फोर्सेस, नौसेना से आएंगे मरीन कमांडो मार्कोस, वायुसेना से लिए जाएंगे गरुड़ कमांडोस। अमेरिका के स्पेशल ऑपरेशंस कमांड की तर्ज पर भारत में जल्द ही तीनों सेनाओं के सबसे चुनिंदा कमांडो को लेकर एक नया कमांडो बल बनने जा रहा है, जो हिंदुस्तान के लिए सामरिक महत्व के स्पेशल ऑपरेशन को संचालित करने में सक्षम होगा। घातक कमांडोज के इस नए बल का नाम आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन रखा गया है। शुरुआत में इस नए सैन्य बल में थल सेना के स्पेशल फोर्सेस,
नौसेना के मरीन कमांडोज जिन्हें दुनिया मार्कोस नाम से जानती है, और वायुसेना के गरुड़ कमांडोज को लेकर बनाया जा रहा है। त्रिशक्ति के नए गठित डिवीजन में लगभग 3000 कमांडोज होंगे, जिसकी कमांड मेजर जनरल रैंक के अधिकारी के पास होगी। भारत सरकार ने साइबर एजेंसी के गठन के वक्त ही स्पेशल कमांडोज की टीम के गठन करने का फैसला ले लिया था। आईडीएस लेगी अंतरिक्ष एजेंसी की जिम्मेदारी, साल 2012 में की गई थी सिफारिश, नरेश चंद्र कमेटी ने की थी ये सिफारिश, हिंदुस्तान की सामरिक सुरक्षा के लिए दिया था प्रस्ताव। आईडीएस से प्रस्तावित अंतरिक्ष एजेंसी की जिम्मेदारी लेगा। आपके लिए जानना दिलचस्प होगा कि साल 2012 में नरेश चंद्र कमेटी ने तीन कमांड स्पेशल ऑपरेशंस, साइबर और अंतरिक्ष कमांड के गठन की सिफारिश की थी, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा की नई चुनौतियों का मुकाबला किया जा सके। स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन के बारे में अधिकारियों ने कहा कि तीनों सेनाओं के कमांडो इनमें शामिल होंगे, लेकिन इसमें थल सेना की विशेष भूमिका होगी। इसमें सबसे अनुभवी पेशेवर अधिकारी भर्ती किए जाएंगे। इस नई यूनिट के पास हेलीकॉप्टर, परिवहन विमानों और विशेष हथियारों के अलावा टोही उपकरणों की स्वतंत्र इकाई होगी, जो खास सामरिक मिशन को पूरा करेगी। नया गठित होने वाला डिवीजन देश के भीतर और बाहर विशेष मिशन के लिए तैनात किया जाएगा। इसके कमांडो का दायित्व उच्च अहमियत वाले लक्ष्यों को बचाना, आतंकवादी हमलों के दौरान बंधक बनाए जाने वाले लोगों को छुड़ाना भी होगा। भारत में त्रिशक्ति को लेके सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। भारत के इस स्पेशल ऑपरेशंस को लेके पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त भारत पर टिक चुकी हैं और उम्मीद लगाई जा रही है कि महाशक्ति बनने की दिशा में भारत का ये सार्थक कदम होगा। तो त्रिशक्ति को यूं ही दुनिया की सबसे बेहतर यूनिट नहीं कहा जा रहा है। इसके पीछे सबसे खास वजह यह है कि त्रिशक्ति का हिस्सा वही जवान होगा जो हमारे सुपर कमांडोज में भी सबसे सुपर है, यानी थलसेना के ब्लैक कैट कमांडो, नेवी के मार्कोस कमांडो और वायुसेना के गरुड़ कमांडोज से मिलकर बनेगी त्रिसेना। तो आखिर क्या है इन कमांडोज की खासियत, ये आप जरूर सोच रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं ब्लैक कैट कमांडोज के बारे में। सबसे खतरनाक कमांडो, ब्लैक कैट यानी एनएसजी। काले लिबास में ढके मौत का दूसरा नाम ब्लैक कैट। देश के सबसे खतरनाक कमांडो होते हैं ब्लैक कैट कमांडो या एनएसजी कमांडो। एनएसजी को 16 अक्टूबर 1984 में बनाया गया था ताकि देश में होने वाली आतंकी गतिविधियों से निपटा जा सके। नख से लेकर शिख तक काली पोशाक में ढके और पूरे शरीर में कई किस्म के रक्षा कवचों से लैस एनएसजी के कमांडोज का एक ही नारा है, वन फॉर ऑल, ऑल फॉर वन। हकीकत यही है कि एनएसजी का एक कमांडो आतंकवादियों के पूरे एक गैंग पर भारी पड़ता है। कमांडोज की यह महज मनोवैज्ञानिक छवि नहीं है कि उन्हें देखते ही सुरक्षा का एहसास होने लगता है, बल्कि यह वास्तविकता है कि एक कमांडो किसी भी किस्म के खतरे से
आखिरकार पार पा लेता है और उसकी मौजूदगी भर से दुश्मन खाक में मिल जाता है। किसी भी खतरनाक हालात के लिए बनाई गई ये कमांडो यूनिट देश की सबसे ताकतवर और जाबाज फोर्स है। ब्लैक कैट की रूपरेखा तय करते समय इसराइल के आत्मघाती कमांडोज को ध्यान में तो रखा ही गया, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस के एलीट कमांडो फोर्सेस को भी ध्यान में रखा गया, जिससे कि एनएसजी कमांडो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फोर्स बन सके। आज भारत के एनएसजी कमांडोज की गिनती इसराइल, अमेरिका, रूस और फ्रांस के कमांडो के साथ होती है। एशिया में भारत के एनएसजी कमांडो के मुकाबले कोई दूसरी फोर्स नहीं है, न ही दुनिया में इसका कोई सानी है। एनएसजी कमांडो की सबसे बड़ी बात है कि बिजली की रफ्तार से दुश्मनों पर टूट पड़ना और हर हाल में टारगेट को फिनिश करना। अपने गठन के बाद से आज तक एनएसजी कमांडो 2 दर्जन से ज्यादा खतरनाक ऑपरेशनों को अंजाम दे चुके हैं। किसी भी ऑपरेशन में वे आज तक असफल नहीं हुए। एनएसजी का कोई भी ऑपरेशन इतनी तीव्र गति से अंजाम दिया जाता है कि दुश्मन को इस बारे में सोचने का कोई मौका ही नहीं मिलता। कभी फेल नहीं हुए ब्लैक कैट, तय समय से पहले खत्म करते हैं ऑपरेशंस। पूरी दुनिया में होती है ब्लैक कैट की चर्चा। इनसे मुकाबला करना मतलब मौत को दावत देना। एनएसजी कमांडो का चयन और फिर उनकी ट्रेनिंग कितनी कठिन होती है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। कमांडो बनने से पहले 90 दिन की विशेष ट्रेनिंग जरूरी होती है। 18 मिनट के भीतर 26 करतब करने होते हैं। 780 मीटर की बाधाओं को पार करना होता है। सारा कोर्स 20 मिनट के भीतर पूरा नहीं तो रिजेक्शन तय। ट्रेनिंग के बाद 18 मिनट में ऑपरेशन करना होता है खत्म। अगर किसी भी कमांडो को ए श्रेणी हासिल करनी है तो उसे ये पूरा कोर्स 9 मिनट के भीतर पूरा करके दिखाना होता है। किसी भी चुने गए कमांडो को 90 दिनों की अनिवार्य ट्रेनिंग के दौरान 50 से 62 हजार जिंदा कारतूसों के साथ अपनी फायर प्रैक्टिस में प्रयोग करना होता है, जबकि किसी सामान्य सैनिक की पूरी जिंदगी में भी इतनी फायर प्रैक्टिस नहीं होती। कई बार तो एक दिन में ही एक रंग रूट को 2 से 3 हजार फायरिंग करनी होती है। बेहद जटिल होती है इनकी फायर प्रैक्टिस। 25 सेकंड में करते हैं 14 टारगेट हिट। सभी टारगेट होते हैं एक दूसरे से अलग। एक टारगेट के लिए सिर्फ 2 सेकंड। आम सैनिक जहां फायर प्रैक्टिस के लिए पारंपरिक चांदमारी का इस्तेमाल करते हैं, वहीं एनएसजी कमांडोज की फायर फैक्ट्रीज बहुत ही जटिल और बहुत ही उन्नत होती है। कमांडोज की 25 सेकंड के भीतर 14 अलग अलग टारगेट हिट करने होते हैं। ये 14 टारगेट सारे के सारे अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। इन सभी टारगेट्स को एक साथ हिट करने में कमांडोज को 2.5 से 3 सेकंड का ही अधिकतम समय मिलता है। कोई कमांडो एक प्रयास में 10 से कम टारगेट हिट कर पाता है तो उसे उतनी ही बार ज्यादा फायर प्रैक्टिस करनी होती है जब तक वह न्यूनतम टारगेट ना हिट कर ले। इन सुपर कमांडोज में जो होगा बेस्ट वही सुपर हीरो बनेगा, त्रिशक्ति का हिस्सा। तो ब्लैक कैट को अगर सुपर हीरो कहें तो गलत नहीं होगा, लेकिन सिर्फ ब्लैक कैट कमांडो होना त्रिशक्ति में शामिल होने के लिए काफी नहीं है। हिंदुस्तान के इस नए डिवीजन में शामिल होने के लिए इन ब्लैक कैट कमांडोज में से सबसे बेस्ट कमांडोज को चुना जाएगा। ऐसे में अंदाजा लगाना बेहद आसान है क्यों त्रिशक्ति के गठन के बाद हिंदुस्तान की गिनती सुपर पावर की फहरिस्त में शुमार होना तय माना जा रहा है। स्पेशल डेस्क जी मीडिया। तो ये थी ब्लैक कैट कमांडोज की खासियत। आखिर मार्कोस कमांडोज किस मद में होते हैं खास, आखिर क्या है? ब्लैक कैट कमांडोज में जो सबसे सुपर कमांडो होगा उसे मिलेगी त्रिशक्ति में जगह। ब्लैक कैट के बाद अब बात मार्कोस कमांडोज की करते हैं जो जल सेना का हिस्सा है। समंदर के इन महारथियों की खासियत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। समंदर की लहरें भी जिससे खाती है खौफ, नाम है उसका कमांडो यूनिट मार्कोस। समंदर की गहराई और तूफानी लहरों के राजा, दुश्मनों के लिए मौत का दूसरा नाम मार्कोस। मार्कोस या समुद्री कमांडो, पहले समुद्री कमांडो फोर्स या एमसीएफ के रूप में जाना जाता था।
मार्कोस का प्रशिक्षण इतना व्यापक होता है कि इनको आतंकवाद से लेकर नेवी ऑपरेशन और एंटी पायरेसी ऑपरेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ मामलों में तो इनको अमेरिकी नेवी सील से भी बेहतर माना जाता है। इनका मोटो है द फ्यू द फियरलेस। सेना के 1000 सैनिकों में से कोई एक मार्कोस कमांडो बन पाता है, इसका मतलब इसमें सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल होता है। ये कमांडो भारत के सबसे खतरनाक कमांडो में गिने जाते हैं। इनमें किसी भी तरह के ऑपरेशन करवाए जा सकते हैं, जबकि मरीन अर्थात पानी से जुड़े ऑपरेशंस में इनको महारत हासिल होती है। यूं ही नहीं बनता कोई मार्कोस, देनी होती है जान निकाल देने वाली परीक्षा। जो नर्क में भी रहने के होता है काबिल, वो बनता है सुपर हीरो मार्कोस। एक मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग इतनी कड़ी होती है कि लोग इसकी तुलना नर्क से भी करते हैं। इस प्रक्रिया में ट्रेनी को सोने नहीं दिया जाता है, भूखा रखा जाता है और कठिन परिश्रम करवाया जाता है। इस चरण में जो लोग ट्रेनिंग छोड़कर भागते नहीं है उनको वास्तविक ट्रेनिंग के लिए चुना जाता है। मार्कोस की वास्तविक ट्रेनिंग लगभग 3 साल तक चलती है। इस ट्रेनिंग में उनके जांघों तक कीचड़ में घुसकर 800 मीटर दौड़ लगानी पड़ती है। इस दौरान इनके कंधे पर 25 किलो का वजन भी रखा जाता है। इसके बाद इन जवानों को हालो और हाहो नाम की दो ट्रेनिंगों को पूरा करना पड़ता है। हालो जंप में जवान को लगभग 11 किलोमीटर की ऊंचाई से जमीन पर कूदना होता है, जबकि हाहो जंप में जवान को 8 किलोमीटर की ऊंचाई से कूदना होता है और 8 सेकंड के अंदर अपने पैराशूट को भी खोलना होता है। मार्कोस कमांडो को हर प्रकार के हथियार और उपकरणों, इनमें चाकू और धनुष चलाना, स्नाइपर राइफल चलाना, हथगोले चलाना और नंगे हाथों से लड़ने में प्रशिक्षित किया जाता है। यहाँ पर एक चौंकाने वाली बात यह है कि इन कमांडो के घर वालों को यह भी पता नहीं होता कि वो कमांडो हैं। इनको अपनी पहचान को छिपा कर रखना होता है। कभी मिशन अधूरा नहीं छोड़ते मार्कोस। किसी भी ताकत से टकराने का होता है जज्बा। समुन्दर की लहरों पर करते हैं राज, तूफान पर भी पा सकते हैं काबू। मार्कोस कमांडो मुख्य तौर से समुद्र से जुड़े ऑपरेशन करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन, एंटी पायरेसी ऑपरेशन, समुद्री डकैती, समुद्री घुसपैठ को रोकना, बंधक लोगों का बचाव, हवाई जहाज अपहरण, रासायनिक हमलों इत्यादि से निपटने के लिए भी तैयार किए जाते हैं। ऐसे में इन मार्कोस कमांडो में से जो सबसे बेहतर होगा उसे त्रिशक्ति यूनिट के लिए चुना जाएगा। अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान की त्रिशक्ति कितनी चट्टानी होने वाली है। स्पेशल डेस्क, जी मीडिया।